गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र को न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं। आपके टॉपिक का नाम है तंत्रिका कोशिका, इसी का दूसरा नाम है तंत्रिकोशिका, या इसी को बोला जाता है न्यूरॉन। तीनों एक ही चीज़ हैं। इसके बारे में हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका होती क्या है। जैसे जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक वैसे ही तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो कौन होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो यही है इसमें कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। जैसे कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक वैसे ही न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होते हैं। ये क्या काम करते हैं? जो उद्दीपन होते हैं, अब उद्दीपन होते क्या हैं? जैसे ही हमने किसी कांटे के ऊपर पैर रखा तो हमें दर्द महसूस होगा, तो उस दर्द को ही क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं? तंत्रिका कोशिका के अंदर जो भी पार्ट उपस्थित होते हैं, भाग उपस्थित होते हैं, वो उन उद्दीपनों को क्या करते हैं? कैच करते हैं और उद्दीपनों को ग्रहण करके उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वहाँ से जो प्रतिक्रियात्मक मैसेज होता है, प्रतिक्रियात्मक संदेश है, वो वापस से देगा। वो इसी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से अंगों तक पहुंचता है और हम हमारा पैर है वो कांटे से हटा लेते हैं। ये सारी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो किस में होती है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स के थ्रू होती है। तो उद्दीपकों को तंत्रिका कोशिका उद्दीपनों को ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन सा होता है? आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं तथा प्रतिक्रियात्मक संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक पहुंचाते हैं। ये इसका हो गया कार्य। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? ये उद्दीपनों को ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं, तथा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो जो संदेश देगा, उस प्रतिक्रियात्मक संदेश है उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यहाँ तक हो गया इसका कार्य। अब आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो हम टॉपिक लेते हैं, तो तंत्रिका कोशिका को या न्यूरॉन को तीन इकाइयों में बांटा गया है। कितनी इकाइयों में बांटा गया है? तीन इकाइयों में बांटा गया है। सबसे पहली जो इकाई होती है वो होती है कोशिका काय, दूसरी होती है द्रुमाक्षय और तीसरी होती है तंत्रिकाक्ष। इन तीन इकाइयों में इनको बांटा गया है। सबसे पहला होता है कोशिका काय,
दूसरा होता है द्रुमाक्ष और तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष। इसका डायग्राम पूछा जाता है, डायग्राम पूछेगा और इन तीनों को डिटेल में पूछेगा कि इसको विस्तार से समझाइए। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम इस तरह से होता है इसका, ठीक ऐसी ही स्ट्रक्चर यहाँ पीछे की तरफ पाई जाती है। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है कोशिका काय। इसका दूसरा नाम साइटोन भी बोला जाता है इसको। दूसरे नंबर पे चलते हैं, ये जो बीच का बिल्कुल मध्य वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, एक संरचना सी दिखाई दे रही है गोल, इसको बोला जाता है केंद्रक। ठीक है, छोटे छोटे कण आपको दिखाई दे रहे हैं, इन कणों को बोला जाता है निसेल ग्रेन्यूल्स। निसेल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बेलनाकार संरचनाएं दिखाई दे रही है, इनको बोला जाता है तंत्रिकाक्ष। ये जो संरचनाएं आपको बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई दे रही हैं, इन संरचनाओं को बोला जाता है द्रुमाक्ष। यहाँ पे छोटे छोटे नोब्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोला जाता है, नोब्स के अंदर संरचनाएं उपस्थित होती है, उन्हें बोला जाता है सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। और ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष सीरा।
सिनेप्टिक पुट्टिकाएँ जो होती हैं उनके अंदर उपस्थित होते हैं। वैसे डायग्राम में नहीं लिखना है, वो बाद में बता दूँगी मैं। ये आपका फिगर हो गया, किसका डायग्राम है ये? न्यूरॉन का। न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या होता है? तंत्री कोशिका या तंत्रिका कोशिका। ये यहाँ तक इसका डायग्राम कंप्लीट हो गया तंत्री कोशिका का। मुख्य मुख्य नाम कौन से होते हैं? तीन होते हैं। कोशिका का है जिसको साइटोन के नाम से जाना जाता है, द्रुमाक्ष है, और तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष। उसके अलावा इसके बीच में केंद्रक उपस्थित होता है जो कि हर कोशिका में उपस्थित होता है। छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको निसेल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। बाहर की तरफ जो धागे के जैसी संरचनाएं निकली होती हैं उनको द्रुमाक्ष कहते हैं। जो द्रुमाक्ष होते हैं उनके लास्ट जो पॉइंट होता है वहाँ पे सिनेप्टिक नोब प्रेजेंट होते हैं, और सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक पुट्टिकाएँ प्रेजेंट होती है। सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में न्यूरो ट्रांसमीटर उपस्थित होते हैं। ये जो सिरे आपको दिखाई दे रहे हैं इनको तंत्रिकाक्ष शिरा कहते हैं। जो तंत्रिकाक्ष होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है? बेलनाकार प्रवर्द के रूप में होती है। ये इसका डायग्राम है, डायग्राम को अच्छे से देखना, एग्जाम में काफ़ी बार ये आया हुआ है। अब इनके बारे में डिटेल में तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि कोशिका काय क्या होता है, द्रुमाक्ष क्या होता है, और तंत्रिकाक्ष क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना कोशिका काय। सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा इसमें, कोशिका काय में तीन चीज़ें उपस्थित होती हैं। पहला होता है केंद्रक, जो कि अभी हमने देखा था। दूसरा होता है कोशिकांग। कोशिकांग आपने 9th क्लास में पढ़ा था कौन कौन से होते हैं कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे आपने देखे थे, ये कोशिकांग कहलाते हैं। तो केंद्रक उपस्थित होता है और कोशिका के जो अंग होते हैं लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आपका हरित लवक, ये सब उपस्थित होते हैं, उनको कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकांग उपस्थित होता है और साथ में कोशिका द्रव्य में निसेल ग्रेन्यूल्स कण पाए जाते हैं। ये कोशिका काय आपका पूरा हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने लिया था, एक चीज़ और लिख लेना, कोशिका काय का दूसरा नाम होता है, हमने डायग्राम में तो लिख दिया था लेकिन फिर भी यहाँ भी लिखना है, कोशिका काय को और किस नाम से जाना जाता है? साइटोन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है द्रुमाक्ष, कोशिका काय से छोटे छोटे वैसे बाहर की ओर निकले रहते हैं जिन्हें द्रुमाक्ष कहते हैं, ठीक है। ये द्रुमाक्ष कंप्लीट हो गया। अब इसका कार्य क्या होता है? यह उद्दीपनों को कोशिका काय की तरफ भेजता है। यह उद्दीपनों को कोशिका काय की तरफ भेजने का कार्य करता है। जैसे एक बार मैं छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ ताकि इसको एक्सप्लेन किया जा सके। यहाँ से उद्दीपन कैच करेगा, ये ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके इसको किस तरफ भेजेगा? कोशिका काय की तरफ भेजेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? द्रुमाक्ष कहते हैं। ये धागे के जैसी संरचनाएं होती है, छोटे छोटे रेशे निकले हुए रहते हैं, उन्हीं को हम द्रुमाक्ष कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं अपन, तंत्रिकाक्ष। ये जो बेलनाकार संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर उपस्थित होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। ये आगे वाला सिरा है वो पूरा तंत्रिकाक्ष कहलाएगा। तो तंत्रिकाक्ष
बेलनाकार प्रवर्ध रूपी संरचना है जिसका अंतिम सिरा धागे जैसी संरचनाओं का निर्माण करता है। धागे जैसी संरचनाओं का निर्माण करता है, धागे जैसी संरचनाओं का निर्माण करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष कहते हैं। अब इसी के अंदर आपको एक पॉइंट और लिखना है, तंत्रिकाक्ष के एक सिरे पर सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था कहाँ पर पाई जाती है सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। और लास्ट पॉइंट इसमें लिखना है, सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, ये तो हो गई इसकी संरचना कंप्लीट। आपके जो न्यूरॉन पढ़ा था, न्यूरॉन की संरचना में तीन नाम आए थे, कोशिका काय, द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष। डायग्राम बना लिया और उसके बाद में इन तीनों की संरचनाएं हमने बता दी। अब नेक्स्ट इसके अंदर आपको इसका मैकेनिज्म लिखना है, इसकी जो कार्यविधि होती है वो क्या क्या होती है, मतलब कैसे ये काम करता है, कैसे ये उद्दीपनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, वो कैसे होगा, उसको आपको देखना है। जब भी आपको इसके बारे में विस्तार से पूछे तो आपको संरचना भी बतानी है और साथ में इसकी कार्यविधि भी बतानी है। तो अब लेते हैं हम न्यूरॉन की कार्यविधि। तो कार्यविधि में क्या होता है, सर्वप्रथम संवेदी कोशिकाएं, आपने पढ़ा था कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम में काम में आती है, जो तंत्रिका तंत्र में जो कोशिकाएं काम में आती हैं वो दो तरह की होती है, संवेदी कोशिका। सबसे पहले संवेदी कोशिका उद्दीपनों को ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। और ये जो पहुंचाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, यह कार्य वैद्युत रासायनिक संवेग, नाम याद रखना, ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, जो आपकी संवेदी कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर उपस्थित होता है वैद्युत रासायनिक संवेग के द्वारा संपादित किया जाता है। ठीक है, ये जो वैद्युत रासायनिक संवेग है इसका दूसरा नाम वैद्युत रासायनिक संवेग को तंत्रिका संवेग भी कहा जाता है, ये इसी का दूसरा नाम है, तंत्रिका संवेग भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे ये जैसे ही इसको न्यूरॉन के अंदर भेजेगा, संवेदी कोशिका उद्दीपनों को ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है, लेकिन किसके द्वारा पहुंचाती है, न्यूरॉन्स के द्वारा पहुंचाती है, न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका के द्वारा पहुंचाती है। तंत्रिका कोशिका में विद्युत रासायनिक संवेग उपस्थित होते हैं जो इसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये संवेग तंत्रिका संवेग
या विद्युत रासायनिक संवेग कोशिका काय से या द्रुमाक्ष से तंत्रिकाक्ष तक पहुँचते पहुँचते कमजोर हो जाते हैं। हम दौड़ लगा रहे हैं, थोड़ी दूर हम बहुत तेज स्पीड से दौड़ेंगे और जैसे जैसे हमारी एनर्जी डाउन होगी हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक वैसे ही द्रुमाक्ष से तंत्रिकाक्ष तक ये संवेग पहुँचेंगे, तब तक तो इनकी स्पीड ज़्यादा होगी और जैसे ये तंत्रिकाक्ष तक पहुँचेंगे तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएंगे, तो ये आगे नहीं पहुँच पाएंगे। तो जैसे गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए डीजल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही तंत्रिकाक्ष के अंदर सिनेप्टिक पुट्टिकाएँ पाई जाती है और सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में उपस्थित होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, इन संवेगों को क्या कर देते हैं, मजबूत बना देते हैं और उनको आगे की तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में उपस्थित न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा इन तंत्रिका संवेगों को मजबूत बनाकर आगे भेज दिया जाता है। इस तरह से आगे संवेग है वो गति करते हैं और लास्ट में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाते हैं। ये अकेला नहीं पाया जाता है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स उपस्थित होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे एक और कोशिका काय बन गया, ये आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये प्रवर्ध उपस्थित हो गया, फिर इससे जुड़ा हुआ है, तो ये एक जाल के रूप में फैला हुआ रहता है। इससे इसको ट्रांसफ़र होगा, इससे अगले को ट्रांसफ़र होगा और लास्ट में आपका जो मेरुरज्जु उपस्थित होता है वहाँ जाएगा और मेरुरज्जु से आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क में जाएगा, वहाँ से वो प्रतिक्रियात्मक संदेश देगा, वो वापस से इसमें आएंगे, इसको इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा थोड़ा मजबूत बना के इन सिग्नल्स को इन संकेतों को थोड़ा और मजबूत बना के इसको क्या किया जाता है, वापस अंगों तक पहुँचाया जाता है और हमारा पैर है वो कांटे से हटा लेते हैं। ये आपका न्यूरोन कम्प्लीट हो गया और इसी के साथ तंत्रिका तंत्र टॉपिक है वो पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्लैंड कौन कौन सी होती है, कहाँ उपस्थित होती है और इनका कार्य क्या होता है, ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।